फनकार जो अभी कमसिन है, मासूम है, लेकिन उसने अपने फन से सबको मुतासिर किया है, आप भी उसे सुनना चाहते हैं। मैं सुफियान प्रतापगढ़ी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो माइक पर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम आजमगढ़ वालों। दोस्तों, मेरी खुशनसीबी कि आज मुझे इतने बड़े मुशायरे में इनवाइट किया गया। मैं तो हिंदुस्तान का सबसे छोटा शायर हूँ, मेरी मासूमियत से ही ये बात साबित हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ परवेज फलाही साहब, मोहम्मद शाहिद साहब और नदीम साहब का, जिन्होंने हिंदुस्तान के सबसे छोटे शायर सुफियान प्रतापगढ़ी को इस मुशायरे में इनवाइट किया। दोस्तों, पहली बार आजमगढ़ के मुशायरे में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मुझे उसी मोहब्बत से सुनेंगे जिस मोहब्बत के साथ मैं पूरे हिंदुस्तान के मुशायरे में सुना जाता हूँ। दोस्तों, काफी तारीफ सुनी है मैंने आजमगढ़ के सामायन की। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाकर मेरी हौसला अफजाई फरमा ले। मैं शेर हाजिर करता हूँ। तेरी हयात का सूरज ये ढलने वाला है। दोस्तों, वक्त के फिरौनों के नाम चार मिसरे हाजिर करता हूँ। आजमगढ़ वालों, शेर की हिफाजत करना, आप लोग यहीं से मुशायरों को मुशायरा बना दें। तेरी हयात का सूरज ये ढलने वाला है। तेरी हयात का सूरज ये ढलने वाला है। बहुत ही जल्द तेरा दम निकलने वाला है। वाह। जल्द तेरा दम निकलने वाला है। ये बात कह दो निकलने वाला है। वाह। निकलने वाला है तुम्हारे घर से ही मूसा। देखिए, वसीम साहब हौसला अफजाई कर रहे हैं और तुम्हारे घर से ही मूसा निकलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर 13 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और उसके 2 दिन बाद 4 को बेकसूर बताकर छोड़ भी दिया गया। बाकी लोगों से पूछताछ चल रही है। बताया यह गया कि इनका संबंध जैसे मोहम्मद से है, हल हो गई है। मेरे दोस्त सलमान का एक शेर है कि यहाँ इंसाफ जो मांगे वही बंदा फसादी है। यहाँ इंसाफ जो मांगे वही बंदा फसादी है। जो जमकर गोलियां बरसाए वो तो माओवादी है। जो जमकर गोलियां बरसाए वो तो माओवादी है। मैं निकला था तलाश रिस्क में लेकिन सितम देखो। मैं निकला था तलाश रिस्क में लेकिन सितम देखो। पकड़ कर उसने मुझको कह दिया आतंकवादी है। पकड़कर उसने मुझको कह दिया आतंकवादी है। मैं शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास। चाहते हो जो अमन भारत में, पढ़ता हूँ बतौर खास, मुलाजा फरमाए। चाहते हो जो अमन भारत में, चाहते हो जो अमन भारत में, तुम दिवाली को ईद से जोड़ो। तुम दिवाली को ईद से जोड़ो। जैश अलकायदा को क्या जाने,
बहुत बहुत शुक्रिया। चाहते हो जो अमन भारत में तुम दिवाली को ईद से जोड़ो, जोश अलकायदा को क्या जाने, जोश अलकायदा को क्या जाने, मुझको अब्दुल हमीद से जोड़ो, मुझको अब्दुल हमीद से जोड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, चार मिसरे और हाजिर करता हूँ और खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ परवेज फलाही साहब, मोहम्मद शाहिद साहब और नदीम साहब की दुआएं चाहते हुए शेर हाजिर करता हूँ। लेकिन उसके पहले मुझे चार मिसरे याद आ रहा है कि मुकम्मल है इबादत में वतन ईमान रखता हूँ, मुकम्मल है इबादत में वतन ईमान रखता हूँ, वतन की शान की खातिर हथेली जान रखता हूँ, वतन की शान की खातिर हथेली जान रखता हूँ। क्यों पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो मेरी आंखों में पाकिस्तान का नक्शा, क्यों पढ़ते हो मेरी आंखों में पाकिस्तान का नक्शा, मुसलमान हूँ मैं सच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ, मुसलमान हूँ मैं सच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। पढ़ता हूँ बतौर खास। खून से हमने गुलशन को सींचा सदा, खून से हमने गुलशन को सींचा सदा, कौन कहता है भारत हमारा नहीं, खून से हमने गुलशन को सींचा सदा, कौन कहता है भारत हमारा नहीं, खून से हमने गुलशन को सींचा सदा, कौन कहता है भारत हमारा नहीं, कत्ल कर दो मेरा मुझको मंजूर है, कत्ल कर दो मेरा मुझको मंजूर है, छोड़ना मुल्क हर किस गवारा नहीं, गवारा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए माँ के हवाले से चार मिसरे हाजिर करता हूँ। माँ जैसी कीमती दौलत दुनिया में कुछ भी नहीं है, बदनसीब वही है जिसके सर पे माँ का आंचल नहीं है, मैं भी उन बदनसीबों में से एक हूँ। पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए, लेकिन उसके पहले मेरे जहन में एक शेर याद आ रहा है कि यतीमी खून रुलाती है बदन बेजान लगता है, यतीमी खून रुलाती है बदन बेजान लगता है, न हो जिस घर में माँ वो घर मुझे वीरान लगता है, न हो जिस घर में माँ वो घर मुझे वीरान लगता है, हुई जिस दिन से रुखसत माँ मेरी दुनिया फानी से, हुई जिस दिन से रुखसत माँ मेरी दुनिया फानी से, मेरा चेहरा भी रिश्तेदारों को अनजान लगता है, मेरा चेहरा भी रिश्तेदारों को अनजान लगता है। मैं शेर हाजिर करता हूँ। मोहब्बत में काजल नहीं है, मोहब्बत में काजल नहीं है, मेरे साथ चाहत का बादल नहीं है, मेरे साथ चाहत का बादल नहीं है, खुशी दुनिया में मुझे तो कैसे मिलेगी, खुशी दुनिया में मुझे तो कैसे मिलेगी, मेरे हाथ में चल नहीं गए, मेरे हाथ में माँ का चल नहीं गए। बहुत बहुत शुक्रिया।
दोस्तों अब आइए प्रतापगढ़ का बेटा आजमगढ़ के हवाले से एक शेर हाजिर करता है। आजमगढ़ वालों, शेर की हिफाजत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूँ कि आजमगढ़ के तालियों के साथ एक बार जोरदार तालियां बजाकर मेरी हौसला अफजाई फरमा ले। मैं शेर हाजिर करता हूँ कि दुश्मन के कदम मेरी तरफ बढ़ने लगे हैं। दुश्मन के कदम मेरी तरफ बढ़ने लगे हैं। ये बात चलो सोए मुसलमान को बता दे। ये बात चलो सोए मुसलमान को बता दे। अब सुन साथ हो के हम चलो दुनिया को दिला दे। एक साथ हो के हम चलो दुनिया को गिला दे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, कई दोस्तों की फरमाइश है अच्छे दिन वाले शेर के लिए। अच्छा, जब अच्छे दिन और काले धन की बात आती है तो भाजपा वालों के बाल खड़े हो जाते हैं साहब। वो पिछले दिनों हुआ क्या, हमारे प्रधानमंत्री जी एक नाई के दुकान पे बाल कटवाने पहुंचे। नाई ने बाल काटते समय पूछा कि साहब ये अच्छे दिन का क्या लफड़ा गए। मोदी चिल्लाए और बोले, साले तू बाल काट रहा है या इंक्वायरी कर रहा है। नाई ने कहा, सॉरी सर, अब नहीं पूछूंगा। दूसरे दिन उसी दुकान पे अमित शाह जी पहुंचे। नाई ने फिर वही सवाल दोहराया कि साहब ये काला धन कहाँ रुका हुआ है। अमित शाह जी चिढ़ाए और बोले, साले तुम मुझसे ये फालतू के सवाल क्यों करते हो। नाई ने कहा, सॉरी सर, अब नहीं पूछूंगा। तीसरे दिन सीबीआई की टीम नाई की दुकान पर पहुंची। नाई से पूछताछ की कि ये बता, तेरा माता और केजरीवाल से क्या संबंध है। नाई ने कहा, कुछ नहीं सर, सीबीआई की टीम ने कहा। तो फिर तुम भाजपा के नेताओं से फालतू के सवाल क्यों करते हो। नाई ने जवाब दिया, अगर नाई का जवाब अच्छा लगे तो एक शख्स के हाथ हवा में लहरना चाहिए। नाई ने जवाब दिया, दरअसल बात यह है, जब भी इनके सामने अच्छे दिन और काला धन वापसी की बात आती है तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं और हमें बाल काटने में आसानी होती है, बस इसीलिए पूछता रहता हूँ। दोस्तों, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा शायर तो नहीं हूँ, मैं एक मकतब में पढ़ने वाला क्लास 3 का स्टूडेंट हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत शायरी का इल्म जरूर दिया है। आज मैं इतने बड़े पढ़े लिखे लोगों के बीच एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे कोई अच्छे दिन की परिभाषा बतलाएगा? क्या यही अच्छे दिन कि गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया जाए? क्या यही अच्छे दिन कि अंग्रेजों के खिलाफ पहली तलवार उठाने वाले शेर हिंद टीपू सुल्तान को देश का गद्दार बताया जाए? क्या यही अच्छे दिन कि गाय के नाम पर इखलाक जैसे बेगुनाह मुसलमान का कत्ल कर दिया जाए? क्या यही अच्छे दिन कि सरहद पर शहीदों के खून की नदियां बहें? क्या यही अच्छे दिन कि साध्वी साक्षी योगी तो गड़िया और कमलेश तिवारी जैसे नफरत की देवी देवताओं की जुबान पे कोई लगाम ना लगे? क्या यही अच्छे दिन कि देश में कहीं भी दंगा हो उसके बाद 10 मुस्लिम नौजवानों को पकड़कर जेलों के अंदर बंद कर दिया जाए? अरे मोदी जी, अगर यही अच्छे दिन है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे पुराने बुरे दिन लौटा दीजिए, क्योंकि हम आपके अच्छे दिनों से उब चुके हैं। पढ़ता हूँ बतौर खास नजर फरमाएं। हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में। हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में। मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो।
के बाद अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता है। मैं पढ़ता हूँ बतौर खास मुआज़ा फरमान। हवाएं नफरतों की चल रही है, रोज भारत में मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो मोहब्बत भाईचारे के सुहाने दिन वो लौटा दो। दोस्तों, अगर आप सब दोबारा सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे हुक्म दें। हमारे हाथ के फूलों को वो हथियार कहते हैं, हमारे हाथ के फूलों को वो हथियार कहते हैं। मेरे मिसवाक को नादान वो तलवार कहते हैं, मेरे मिसवाक को नादान वो तलवार कहते हैं। जरा नफरत के दागी दे गद्दार कहते हैं, वो शेरे हिंद टीपू को भी अब गद्दार कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जब से आसाराम बापू चर्चे में आए, बच्चे गांधी जी का नाम ही भूलते जा रहे हैं। वो पिछले दिनों क्या हुआ, हमारा हिंदी का पेपर था तो उसमें सवाल आया था कि बापूजी का पूरा नाम क्या था। जैसे ही मैं पेपर देकर आया, अपने दोस्तों से बातचीत की तो पता ये चला कि सारे लड़कों ने सिर्फ एक ही जवाब लिखा था, आसाराम बापू। मैं शेर पढ़ता हूँ बताओ ये खास मुआज़ा फरमाए। ना तो आसाराम जैसा, ना तो आसाराम जैसा साधु बन के निकले के, ना तो आसाराम जैसा साधु बन के निकले गे, ना तो शेर सिंह जैसा डाकू बन के निकले गे, ना तो शेर सिंह जैसा डाकू बन के निकले गे। ए होश मेरा हो योगी, होश मेरा